हाँ जी बेटा, इस वीडियो में हम सीखेंगे इनिशियलाइजिंग स्ट्रिंग्स, कि स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। इनिशियलाइजिंग का मतलब है स्ट्रिंग को वैल्यू देना। जैसे ये हमारे पास एक खाली वेरिएबल है इंट ए। अब जब हम इसमें वैल्यू दे देते हैं, लाइक इंट ए इज इक्वल टू टू, अब ये टू ए में चला गया, इसको कहते हैं इनिशियलाइज करना। अब हम देखेंगे स्ट्रिंग्स को कैसे इनिशियलाइज करते हैं। स्ट्रिंग्स को इनिशियलाइज करने के दो मेथड है, मेथड वन एंड मेथड टू। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस, सो लिसन केयरफुली। अब मेथड वन में क्या करना बेटा, मेथड वन में पूरी की पूरी स्ट्रिंग डबल कोट्स में दे देनी है। जैसे हमने लिया कैर कलर, कलर स्ट्रिंग का नाम है, साइज ज्यादा दे दो, कम नहीं देना, ज्यादा जितना मर्जी दे दो। कैर कलर इज इक्वल टू, सपोज हमने दे दिया रेड सेमी कॉलर। ये फर्स्ट मेथड है स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन का। इसमें हम पूरी की पूरी स्ट्रिंग इकट्ठी दे देते हैं इन डबल कोट्स। एक और स्ट्रिंग लेंगे, सब्जेक्ट इज इक्वल टू इंग्लिश, कैसे करेंगे, कैर एस यू बी सब या कोई भी नाम ले लो, यहां पे उसका साइज ज्यादा साइज दे दो, ज्यादा साइज देने का कोई डर नहीं है, और कोई भी जो भी आपने वैल्यू देनी है डबल कोट्स में लिख दो, सपोज इंग्लिश सेमी कॉलम। दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ इनिशियलाइजिंग अ स्ट्रिंग इन विच द होल स्ट्रिंग इज रिटन इन साइड डबल कोट्स। दीज आर कॉल्ड डबल कोट्स, इनको क्या बोलते हैं, डी ओ यू बी एल ई डबल क्यू यू ओ टी ई एस कोट्स। ठीक है, पूरी की पूरी स्ट्रिंग डबल कोट्स में दे दी। ये मेथड वन है, ध्यान से देख लो। अब हम करते हैं मेथड टू। मेथड टू में क्या करना है, हमने जो स्ट्रिंग है बेटा वो करेक्टर बाय करेक्टर देनी है, पूरी स्ट्रिंग इकट्ठी नहीं देनी। अब हम ये सेम चीज इधर करेंगे, कैर कलर साइज जितना मर्जी इज इक्वल टू। अब देखो बेटा, पहले तो कर्ली ब्रैकेट लगाओ, फिर एक एक करेक्टर सिंगल कोट्स में, जैसे फर्स्ट करेक्टर है आर सिंगल कोट्स में कॉमा, ई सिंगल कोट्स में कॉमा, मैं नीचे लिख रही हूं जगह कम है, डी सिंगल कोट्स में कॉमा। अब रेड के बाद नल करेक्टर खुद देना पड़ेगा सेकेंड मेथड में। नल करेक्टर कैसे देना है, पहले तो सिंगल कोट्स, हर सारे करेक्टर सिंगल कोट्स में आएंगे, बैक स्लैश जीरो कर्ली ब्रैकेट बंद सेमी कॉलन। देखो ये फर्स्ट मेथड कैर कलर इज इक्वल टू रेड, ये सेकेंड मेथड कलर इज इक्वल टू रेड, लेकिन सिंगल कोट्स में सिंगल करेक्टर्स एंड यू हैव टू राइट दिस नल करेक्टर एक्स्ट्रा। अब ये ले रहे हैं सब्जेक्ट इज इक्वल टू इंग्लिश, इधर लेंगे सब्जेक्ट इज इक्वल टू मैथ्स, कैसे लेंगे, चलो यहां करते हैं ज्यादा स्पेस है, कैर सब्जेक्ट साइज ज्यादा दे दो, सपोज मैंने साइज दे दिया इसको 70 इज इक्वल टू मैथ्स। मैथ्स देना है तो पहले करली ब्रैकेट, पहले लिखेंगे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि कोई एरर ना हो। सबसे पहले मैंने यहां पे लिख दिया एम ए टी एच, मैथ के बाद मैंने नल करेक्टर भी देना पड़ेगा। अब इन सब को सिंगल कोट्स में डाल दो, एम ए टी एच सिंगल कोट्स में ये, देन कर्ली ब्रैकेट बंद एंड सेमीकॉलन। नाउ प्लीज सी दीज टू मेथड्स वेरी केयरफुली, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस। दिस इज मेथड वन, द होल स्ट्रिंग रिटन टूगेदर इन डबल कोट्स। दिस इज मेथड टू, द स्ट्रिंग इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ करेक्टर्स विच आर इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स। यहाँ पे डबल कोट्स थे, यहाँ पे सिंगल कोट्स हैं। करेक्टर के बाद कॉमा आएगा, एंड में नल करेक्टर खुद लिखना पड़ेगा सेकेंड मेथड में। ये आपको जो मैंने एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिए हैं उसमें हरेक क्वेश्चन में ये एग्जांपल हम लिखेंगे, ठीक है। सभी बच्चों को ये पूरी समझ आनी चाहिए, जिसको नहीं समझ आई प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज करके मेरे को बताओ, ठीक है। दिस इज मेथड वन एंड दिस इज मेथड टू। थैंक यू।